तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल सुबह माइंड चेंजर में। और बात करेंगे आज सबसे महत्वपूर्ण वीडियो के बारे में, क्योंकि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड यूके त्रिपला सी ने जो सिलेबस रिलीज़ किया है, 746 समूह गए और 854 आबकारी परावर्तन सिपाही कनिक्स सहायक वीडियो वीपीडियो समाज कल्याण अधिकारी और चकबंदी अधिकारी और साथ में आपका महिला सुपरवाइजर, इन सभी के लिए क्या कुछ यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बेस्ट आप बुक्स कौन कौन सी ले सकते हैं जिनके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इसके अलावा भी कोई आपका अन्य डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, नंबर आप सभी के सामने मैंने अपना मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगी। इसमें आपको मैं आपकी उत्तराखंड जीके हो या आपकी सामान्य जीके हो या आपकी हिंदी हो या आपकी रीजनिंग हो, सबकी बेस्ट बुकें बताऊंगा, वो बुकें बताऊंगा जिनसे मैं आपको लिख के दे सकता हूं 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से दिखाई देंगे। 70 के भी 80% आप मान लीजिए 80% क्वेश्चन आपको इन बुकों से दिखाई देंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस को कि क्या कुछ सिलेबस यूके ट्रिपल एससी ने अपनी ऑफिशियली साइट पर प्रोवाइड कराया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हिंदी की। हिंदी 20 नंबर की होगी। ठीक है, अभी तो हम इसे ऊपर से डिस्कस करें, अंदर टॉपिक वाइज भी नहीं डिस्कस करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगर मैं बात करूँ 40 नंबर का आपका उत्तराखंड होना है तो 60 नंबर ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा जो 40 नंबर आपके बचे हुए हैं उसमें क्या कुछ होगा ये आप देख लीजिए। इसमें 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी, 10 नंबर की आपकी रीजनिंग होगी और बचे हुए 30 नंबर में आपका क्या आएगा, इतिहास, भूगोल, पॉलिटी आएगी आपकी, अर्थशास्त्र आएगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएँ होती है वो सभी आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए, अब आपको फोकस किस चीज़ पर करना है। फोकस करना है आपको 20 नंबर की हिंदी पे, 40 नंबर की उत्तराखंड पे और 10 नंबर की रीजनिंग पे। अगर आप इनमें से अगर आप फोकस कर ले तो आप सिलेक्शन आपका 100% हो जाएगा, आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद बात करेंगे हम उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो देख लेंगे हम। सबसे पहले आएगी इसकी जो उसका भूगोल है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसका इतिहास दिखाई देगा और इसका जो उत्तराखंड के जो जल स्रोत हैं, जो गुलर पाई जाती हैं, वो सभी आपको दिखाई देंगे, चाहे उसमें आपके नाले हों, पोखर हो, ठीक है, नदी हो, झरने हों, ये सभी आपको दिखाई देगी। उसके बाद अर्थ व्यवस्था महत्वपूर्ण है उत्तराखंड की, वो आपको दिखाई देगी। संस्कृति वो भी महत्वपूर्ण है, जो रहने की परंपरा है, बोली, नृत्य हो गए, डांस हो गए, वो सभी महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ सामाजिक व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्ज़ाम में सिलेबस में दे रखी यूके ट्रिपल एससी ने। उसके बाद शिक्षा कि उत्तराखंड में जो शिक्षा का स्तर है वो कैसा है, शिक्षा के कौन कौन से क्षेत्र हैं, कितने यहाँ पर कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो सभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक रह जाते हैं पर्यटन क्षेत्र आपके रह जाते हैं। पर्यटन क्षेत्र कौन कौन से हमारे यहाँ पर आकर्षण क्षेत्र, अगर मैं बात करूँ डिस्ट्रिक्ट वाइज तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, उसके बाद बात करते थे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था भी देखी जा सकती है, सांख्यिकी व्यवस्था भी और आपकी जैव विविधता और अन्य सभी, यानी कि कंप्लीट उत्तराखंड आपका आएगा 40 नंबर का। ठीक है, 40 नंबर का आएगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से मैं मानता हूँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी आपका यही है। ठीक है, चलिए, हिंदी के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो हिंदी भाषा का विकास, इसकी लिपि, या मैं कहूँ कि जो लिपि है हमारी देवनागरी लिपि, उसके बारे में। ठीक है, स्वर व्यंजक, वर्तनी, वर्तनी शुद्धिकरण, शब्द शुद्धिकरण, विराम चिन्ह और हिंदी अंक। ठीक है, साथ में आपके आएंगे और देख लीजिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, शब्द संरचना, वर्ण, अक्षर, प्रत्यय, उपसर्ग, संज्ञा, सर्वनाम, क्रियापद, लिंग, वचन, पुरुष और आपका विशेषण। ठीक है, ये सभी, अलंकार भी है इसमें, वो छोड़ रखे थे, और आपका क्रिया, विशेषण और कारक, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण है। शब्द भंडार भी इसमें सब कुछ आएगा, यानी कि देशज विदेशज जो बाहर से आ रखे हैं, कौन कौन से शब्द किस देश से लिए गए हैं वो भी है। संधि आएगी और वाक्य परिचय आएगा, यानी कि वही सरल वाक्य, मिक्स वाक्य वगैरह, ठीक है, क्वेश्चन पक्का आता है। मुहावरे, लोकोक्ति आएगी, ये भी महत्वपूर्ण है। पत्र लेखन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो मैं आपको बताऊँ, मान के
चलना, तीन क्वेश्चन हर एग्जाम में यूके 13+ पूछ ही रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ से भी हर एक दो क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। साथ में हिंदी कंप्यूटिंग ये भी महत्वपूर्ण टॉपिक से, ठीक है। चलिए उसके बाद हिंदी साहित्य भी पूछा जाता है, मान के चलना आप 2 से 3 नंबर का आपको हिंदी साहित्य दिखाई देगा, ठीक है। तो उत्तराखंड और हिंदी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और मैं आपको बताऊं ये सभी टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स आपको उत्तराखंड और हिंदी में दिखाए गए हैं, ये सभी टॉपिक्स की, इन सभी टॉपिक्स को आपको हमारे उत्तराखंड और हिंदी ऑनलाइन कोर्स में कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड और हिंदी ऑनलाइन कोर्स में कंप्लीट कराया जा रहा है, कोर्स मात्र 1500 रुपये का है। आप देख सकते हैं कि जितने टॉपिक्स उत्तराखंड के दिए गए हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, जितने टॉपिक्स हिंदी के दिए गए हैं वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ में प्रैक्टिस सेट है, और साथ में आपकी टेस्ट सीरीज़ है, और 2000 वन लाइनर है, यानी कि सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। देख सकते हैं आप हिंदी में जितने टॉपिक्स आपने देखे सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, हिंदी भाषा का विकास, उद्भव, व्याकरण, पत्रकारिता और आपके 1000 वन लाइनर, यहाँ पर भी प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़, वन लाइनर, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं, ये कुछ हमारा इतिहास का टॉपिक है, तो अगर आप भी चाहते हैं उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स लेना, तो या आप चाहते हैं कि ऑनलाइन स्टडी करना, तो आप हमारे इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए एक बार सबसे महत्वपूर्ण डिस्कस करने जा रहे हैं बुक्स के लिए, कि कौन कौन सी बुक्स उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपको बता दूँ, 5 से 7 बुकें महत्वपूर्ण हैं उत्तराखंड में। कोई कहता है कि, मैं खुद कहता हूँ कि लगभग अगर आपको अच्छी तैयारी करना, अगर आपको 40 में से 40 लेके आने हैं, तो फिर तो आपको लगभग लगभग 15 बुक्स पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि 40 में से आपके 35+ आ जाएं, तो आप ये 5-7 बुकें पढ़ लीजिए, यहाँ से आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैं आपको कहूँगा विंसर, विंसर का लास्ट प्रकाशन लीजिए, लास्ट यानी कि जो 2020 का जो भी प्रकाशन निकाला है विंसर ने, वो आप ले लीजिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए उसके बाद आएगी एक उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद बलोदी जी की है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपका भूगोल बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए परीक्षा वाणी सभी के पास होगी मेरे हिसाब से, ठीक है, परीक्षा वाणी सभी के पास होगी। चलिए उसके बाद आपकी यस, आपकी एक योगेश दत्त जी की है, वो ले लेंगे, ठीक है। कुमाऊँ का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण है, बद्रीदत्त पांडे जी की, ये आप ले लेंगे, ठीक है। और यशवंत सिंह कटोच जी की है एक, ये आप ले लेंगे, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अजय सिंह रावत, ये तो सभी के पास मेरे हिसाब से होगी, ठीक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण है आपकी घनश्याम जोशी जी की, ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर आपको मिलते हैं वास्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं किताबों को। तो ये मैंने आपको बताई उत्तराखंड का नवीन इतिहास, ये आपका यशवंत सिंह कटोच, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अजय सिंह रावत का आपको चित्र दिखाई दे रहा है, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए ये आपका रविंद्र प्रसाद बलोदी जी की है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपको जन जागरण और आंदोलन का इतिहास, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद कुमाऊँ का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद ये मैंने बद्रीदत्त पांडे वाली बताई दी आपको, ये अजय सिंह रावत जी की है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये घनश्याम जोशी जी की है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है ये 4 वन लाइनर, ठीक है। अगर आपने वो पिछली किताबें सारी कंप्लीट कर ली हो, तो आप ये चारों की चारों वन लाइनर ले लीजिए, यहाँ से मैं आपको बताऊँ इन 4 वन लाइनर से लगभग लगभग 20 नंबर का आपको दिखाई देगा, 4 किताबों से 20 नंबर का आपको दिखाई देगा। और मैं आपको बताऊं, ये 4 जो वन लाइनर आपकी किताब बनाई गई है, ये सभी किताबें उन्हीं किताबों में से क्वेश्चंस निकाल कर बनाई गई है, ठीक है। तो ये चारों के चारों वन लाइनर ले लेंगे। मैंने आपके पास फ़ोटो तक इंक्लूड कर रखा है, आप फ़ोटो दिखाकर मार्केट से परचेज कर सकते हो ईजिली, हर एक बुक स्टोर पर यह प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी को लेकर आप 3 बुकें पढ़ लीजिए, 3 से अलावा बुकें आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले पर्याप्तता दें आप लूसेंट सामान्य हिंदी को, ठीक है, लूसेंट सामान्य हिंदी को आप पर्याप्तता दें आप। उसके बाद आप आदित्य को ना पढ़ें, उसके बाद आप पढ़ें आपका
सामान्य हिंदी एक अरियंत प्रकाशन की है। किस प्रकाशन की? अरियंत प्रकाशन की है। ये दोनों अगर आप क्लियर कर लेते हैं, ये दोनों अगर आप अच्छी तरीके से स्टडी कर लेते हैं, तो आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप में आप आदित्य प्रकाशन की सामान्य हिंदी को लगाइए। देखो, किताब लेना एक अच्छी बात है, लेकिन किताब को तरीके से पढ़ना, एक कंटिन्यूटी के साथ पढ़ना, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना, वो महत्वपूर्ण है। अगर आप सबसे पहले अगर आप आदित्य प्रकाशन को पढ़ लोगे, तो आप 0 में से 100 में से आप 0 रह जाओगे। रीज़न, क्योंकि आदित्य प्रकाशन ऑब्जेक्टिव टाइप है, यहाँ से आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सामान्य हिंदी लूसेंट पढ़ें, या आप सामान्य हिंदी आप अरियंत वाली पढ़ें, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन है, कुछ ही क्वेश्चन आंसर मैं देखता हूँ कि अलग अलग एक दूसरे में से, ठीक है। तो इसके बाद आप क्या करें, इसके बाद आप पढ़ें सामान्य हिंदी आपकी अरियंत प्रकाशन की, ठीक है। चलिए, हिंदी के बाद बात करेंगे सामान्य ज्ञान, यानी कि जो 30 नंबर का जो पोर्शन आता है वहाँ से, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहले लूसेंट को प्रयागता दूंगा। लूसेंट अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो आप उसके बाद पढ़िए आप किरण प्रकाशन सामान्य ज्ञान। हालांकि किरण प्रकाशन में कुछ गलतियाँ आपको दिखाई देगी, लेकिन वो गलतियाँ आप इन 3 बुकों से आप सही कर लोगे, ठीक है। फैक्ट की अगर मैं बात करूँ, फैक्ट काफ़ी अच्छे हैं इसमें, किरण प्रकाशन जो सामान्य ज्ञान है, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ आपको दिखाई देंगी, ठीक है। लेकिन वो गलतियाँ अगर आप अच्छा पढ़ने वाले, अगर आपकी अच्छी तैयारी है, तो आप लूसेंट से, और एक आपकी स्पीडी आती है रेलवे सामान्य ज्ञान करके, यहाँ से आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पढ़नी है कौन सी, लूसेंट, उसके बाद पढ़नी है किरण प्रकाशन का सामान्य ज्ञान, और उसके बाद पढ़नी है एक आपको रेलवे की आती है स्पीडी, ठीक है। अगर आप तीनों ये क्लियर कर लेते हैं, तो आप उसके बाद लगाइए आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप की। किसे लगाओगे? लूसेंट ऑब्जेक्टिव टाइप को, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सीरीज वाइज इन सभी बुकों को क्लियर कर लेते हैं, तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि 30 नंबर का जो पोर्शन आपका बच जाता है, उस 30 में से आप 22 या 25 प्लस क्वेश्चन आप कर दोगे, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन 4 किताबों को पढ़ते हो, ठीक है। मैं आपको बता दूं, ये 3 किताबों में सब में सेम है, लेकिन वो ये कि किसी भी टॉपिक में क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, ठीक है, और ये सबका आपका मिक्सअप है, ठीक है। चलिए, अब सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग जो कि 10 नंबर की आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रीजनिंग के लिए आप सामान्य बुद्धि एवं तर्क संदिग्ध परीक्षण के लिए आप ले सकते हैं RK झा, एक राइटर हैं, मेरे सबसे बेस्ट है, मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, क्योंकि इन्होंने सिंपली लैंग्वेज में समस्त आपकी रीजनिंग कवर कराई है, समस्त रीजनिंग कवर कराई है, साधारण बिल्कुल सिंपली लैंग्वेज में। तो RK झा की आप बुक परचेज करें, क्योंकि एक मेरे गुरुजी थे हमारे सत्यम सर, उन्होंने मुझे कभी इसके लिए कहा था। जब से मैं सभी को यही कहता हूँ कि अगर आपको रीजनिंग सीखनी है और रीजनिंग में आपको अच्छा करना है, तो RK झा करके एक राइटर है, आप उनकी रीजनिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दी, और सामान्य जो 30 नंबर का जो पोर्शन आता है, ये सभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और हिंदी के लिए मैंने आपको बता दी, और आपको बता दूँ, जो हम आपको उत्तराखंड ऑनलाइन और हिंदी ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं, वो सभी इन बुकों के अलावा भी और काफ़ी बुकें हैं जो मैंने इसमें मेंशन नहीं की, क्योंकि अगर आप इन्हें मेंशन करोगे, तो आपके 20 में से 18 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, 18 से भी प्लस आपके आ जाएंगे इन 3 बुकों से, ठीक है। लेकिन चलिए और देख लेते हैं, उत्तराखंड में मैंने आपको बता दी, जो हम ऑनलाइन कोर्स करा रहे हैं, वो इन 4 बुकें ही हैं, और ये सब सभी बुकों से ही, मतलब ऑलमोस्ट इन बुकों से भी और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगा देते हैं 2-4 बुकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर आप उत्तराखंड का ऑनलाइन कोर्स हमसे परचेज कर रहे हैं, तो आप 40 में से 38 नंबर तो लेकर आओ ही आओ, ठीक है। 40 में से आप 38 नंबर लेके आओ, और हिंदी में तो हम चाहते हैं कि 20 में से 20 नंबर आपके पास हो, हिंदी में हम चाहते हैं 20 में से 20 नंबर आपके पास हो। और अगर कोई हमारा ये वाला कोर्स लेता है, तो उसे हम रीजनिंग फ्री सिखाते हैं, रीजनिंग हम उसे फ्री करा देते हैं, यानी कि 10 नंबर हम यहाँ पर आपको फ्री प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो कमेंट करके बतानी है कि कैसी लगी आज की वीडियो, और कोई भी डाउट्स हो किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी क्वेश्चन को लेकर, कोई भी आपका डाउट हो, तो आप किसी भी समय
आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि योग्यता परीक्षा द्वारा जो सिलेबस दिया गया है 751 या 854 वालों पदों के लिए, तो आप उनके पाठ्यक्रम के आयोग के द्वारा ही आप अपनी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक सभी को, और कोई अन्य डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए हैंडराइटिंग, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके नीचे मेंशन मैंने कर दिया है। अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करनी है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच हमारा दिसंबर में शुरू होने वाला है, तो दिसंबर से पहले अगर आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन कोर्स में जुड़ जाएँ तो आप कॉल कर सकते हैं 9082351800। और बेस्ट लक सभी को, क्योंकि वैकेंसी लास्ट बार मुझे दिखाई दी है उत्तराखंड में इतनी सारी वैकेंसी, लगभग 1600 वैकेंसी के आसपास है। तो मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए। पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और वीडियो शेयर सभी के पास करनी है, ठीक है।